आक्षेपुरों अथवधाके मनुरव बचावेगा ओह डूंगे पानी चो मैनू खींच ले जावे गा आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचाएगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ दे आप उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचाएगा खुदा मेरे जी बहन में भाई खुदा की शांति जरूरत आप सबके साथ है। अय्यूब नबी का सहीफा 22 बाब उसकी 23वीं आयत आज मकसी आयत नहीं है। अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा बशर्त है कि तू नाराजगी को अपने कैमगा से दूर कर। कुरान मेरे जी बहनों भाई अय्यूब नबी जो बड़ा साबर था, जो हर बात कहता था ये सब कुछ खुदा की तरफ से, उसी ने दिया उसी ने लिया उसी का नाम मुबारक, हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करता। ये कहे कि अहले मशरक में अय्यूब जैसा अमीर आदमी को नहीं था, उस शख्स खुदा से डरता और रात पास था और वो उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और उसके पास बहुत सारे बैल बकरियां ऊंट और बहुत सारे लोग चाहते थे और वो खुदा से डरता और हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करता। उसके बेटे और बेटियां एक दूसरे की ज़ियाफ़त करते और जब वो उनकी ज़ियाफ़त पूरी हो जाती तो वो उन्हें अपने पास बुलाता और उन्हें पाक करता और उनकी जगह पर कुर्बानी चढ़ाता और खुदा से डरता। तो कहता है कि ऐसा ना हो कि इन्होंने खुदा के खिलाफ कोई ऐसी बात की हो। तो खुदा में अजीज बहनों और भाइयों खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है कि खुदा के बेटे और खुदा की बेटियाँ खुदा के हजूर हाजिर हुए और वहाँ शैतान भी आया। शैतान से खुदा ने कहा कि तू कहाँ से आता है, उसने कहा तेरी जमीन से फिरता फिराता। उसने कहा अच्छा तूने अब कभी मेरे बंदे अय्यूब को देखा है जो बड़ा मुझसे डरता है और हर एक बात में मेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कहा हाँ खुदा वाकई तेरी शुक्रगुजारी करेगा क्योंकि तूने उसे बहुत कुछ दिया है, उसके यहाँ बेटे हैं बेटियां हैं और बहुत सारे नौकर चाकर हैं, किसी एक चीज को तू हाथ पर लगा कर देखो तेरे खिलाफ उबर बकेगा, उससे बड़ा जा सब कुछ तेरे हाथ में है और जो कुछ मर्जी कर लेकिन उसे हाथ ना लगाना। और शैतान वहां से चला गया। थोड़े दिन गुजरे, यूं हुआ कि उसके बेटे अपने सबसे बड़े भाई के घर में और उसकी बेटियां वहां खाना खा रहे थे, एक हवा आई चारों तरफ फिरी और वो मकान जिस मकान में बैठे थे वो गिरा और वो सब उसके साथ के साथ बेटे मर गए और 3 बेटियां मर गई और सारे नौकर मर गए, उसमें फकत एक ही बचा और वो दौड़ा हुआ आकर अय्यूब नबी को बताया। अभी वो ये बता ही रहा था तो थोड़ी देर में क्योंकि एक और आदमी आ गया, उसने कहा कि बैल बकरियां चल रही थी और वहां से बहुत सारे लोग आए और उन्हें ले गए और गुलामों को तलवार से कत्ल कर दिया। थोड़ी देर बाद और आए, उन्होंने भी किसी ऐसी खबर सुनाई और वो उसने क्या किया, अपने कपड़े चाक किए, उसने अपना सर मुंडाया और हाथ पे बैठ गया। उसने कहा तूने दिया तेरा नाम मुबारक हो। मेरे जिस बहनों और भाई थोड़े दिनों के बाद फिर खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां खुदा के हजूर आई तो वहाँ अब्रीस भी आया, शैतान जिसे हम कहते हैं वो भी आया। उसने खुदा ने उसे कहा कि सुना भाई मेरे बंदे अय्यूब को देखा तूने सब कुछ उसका ले लिया लेकिन अभी भी वो मेरी शुक्रगुजारी करता है। बोला हाँ खुदा मैंने देखा है।
तूने सच्ची सेहत दी है, उसके चारों तरफ एक गिर्द तूने खून की बाढ़ लगाई है। जब उसकी हाथ पर लगा उसे जिसम को देख, वो तेरी शुक्र तेरी नाशुक्री किस तरह करता है, वो तुझ पर कुफर कैसे बकता है। जिसम वाला जा, ये सब कुछ तेरे हाथ में, लेकिन उसकी जान न लेना। दादा भाई यूं हुआ कि उसके सर से लेके पांव के तलवे तक सारे जिसम में फोड़े खिंचियां निकल आई और वो एक ठिकरी लेकर राख पर बैठ गया और उसे खुजाने लग पड़ा। उसकी बीवी वहां उसके पास आई और उसने कहा कि तू अभी खुदा की शुक्र की गुजारी करते हैं, इसने तेरा सब कुछ ले लिया, खुदा को क्या भी कुफर बक और मर गया। उसने बोला तुझे और कुछ और होते क्योंकि ये सब कुछ खुदा ने मुझे दिया था, खुदा ने ले लिया, लेकिन ये जब अब हम पर तकलीफ आई हो तो कहती थी उसकी शरीर कि उसका शुक्र ना कर, उसकी नाफरमानी कर। कुरान मजीद जानो भाई, उसके तीन दोस्त उसके पास आए, उसके पास बैठ गए और सात दिन और सात रात उसकी जमीन पर से बैठे हुए उसके साथ अफसोस किए। मुख्तलिफ बीमारियाँ उस पर आई, मुख्तलिफ तकलीफें उस पर आई, लेकिन उसने खुदाओं को नाफरमानी नहीं की। जब शैतान उससे देखा तो उसने कि मैं ये मेरे बस से बाहर है, वो छोड़ के चला गया। जब उसे छोड़ के चला गया तो यूं हुआ कि खुदा ने उसे फिर सरफराज किया और जहां उसके पास कुछ थोड़ा माल था वहां ज़्यादा कुछ डबल दे दिया गया। उसी औरत से फिर उसके तीन बेटियों और सात बेटे पैदा हुए और उसने अपने बेटे बेटियों के बच्चे देखे। उसकी 140 वर्ष तक वो जीता रहा। और मेरे जिस जैनो भाई ने लिखा है कि अहले मशरिक में उसके मुकाबले में जितनी उसकी खूबसूरत बेटियां थी कोई भी नहीं था, और उसने इस तरह किया कि अपने बेटों के महराज में उनके अपनी बेटियों को भी उनके बराबर महराज में। खुदा मेरे जिस जैनो भाई, जब हम खुदावन के फरमा बरदार रहेंगे मुसीबतें तो हम पर आएंगी, लेकिन हमें खुदा को नहीं छोड़ना क्योंकि हमारा खुदावन हमें बहुत प्यार करता है। खुदावन हमें इस तरह करने की तौफीक अता करे। मसीह हमारा खुदावन की उसी।